क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो क्या कह रहा है, हमारे पास टू फ्रैक्शंस गिवन है, जैसे फर्स्ट है 7/21 और सेकंड है हमारे पास 3/9। हमें क्या करना है, इसकी इक्वलिटी टेस्ट करना है, इक्वलिटी टेस्ट चेक करना है कि दोनों जो फ्रैक्शन है क्या ये इक्वल है या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम इसको भी लोवेस्ट फॉर्म में ले लेंगे, इसको भी लोवेस्ट फॉर्म में, और दोनों को चेक करेंगे कि जो दोनों का लोवेस्ट फॉर्म है क्या वो सेम है या नहीं। तो पहले 7/21 को हम डिवाइड कर देते हैं, इसके HCF 7 आएगा, 7 के टेबल में 7 भी आता है 21, तो 7 से इसको हम डिवाइड किया, 7/1 = 7, 7/3 = जो भी कॉमन फैक्टर है ना उससे इसको डिवाइड कर सकते हो। इसी तरीके से हमने किया 3/9 है, 3/9 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, क्यों, क्योंकि 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है 3 का भी और 9 का भी, तो 3 से डिवाइड कर दिया हमने, 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3/1 = 3, 3/3 = 9। अब देखो ये दोनों सेम आ गया, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, हमें बस यही चेक करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, तो आप इसमें लिख दो येस। इस तरीके से एक और मैं आपको बताता हूँ, इसका सेकेंड पार्ट। ये है हमारे पास 8/14 और सेकेंड नंबर है हमारे पास 13/21। पहले 8/14 का करेंगे हम लोवेस्ट टर्म, तो लोवेस्ट टर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 और 14, इसका कॉमन फैक्टर 4 की टू की टेबल में 8 भी आता है 14, 8 से डिवाइड 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको हम, 8/14 / 2, 2 4 = 8, 2 7 = 14, ये आ गया इसका। अब 13/21, 13 और 21 के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 13 और 21 का कोई भी कॉमन फैक्टर, कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों नंबर आते हो, तो इसलिए ये इसका लोवेस्ट टर्म है। अब कंपेयर करो इन दोनों को, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, तो इसका आंसर आ गया नो, दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये जो दो फ्रैक्शंस आपको दिख रहे हैं दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। एक और करके देखते हैं हम, 16/20 and 20/25, फिर से इसी को करेंगे, 16/20 है, 16/20 इसको डिवाइड कर दो आप, 4 से डिवाइड हो जाएगा दोनों, 4 से किया 16 को 4, 4 5 = 20, 4/5 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 20/25, इसको भी आप डिवाइड कर दो, 20/25 को डिवाइड कर सकते हैं हम 5 से, 5 की टेबल में दोनों आते हैं, तो 5/4 = 20, 5 दोनों सेम आ गया, तो दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है।